हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले टीचरिस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नाजा नाजा फुल सॉन्ग सूर्यवंशी का एक गाना है, और जिसमें अक्षय कुमार एंड कैटरीना कैफ है। इसके पहले जो उनको उन दोनों का गाना आया था वो तो रोमांटिक सॉन्ग था, और हाँ, ये है एक धुआंधार गाना जिस जो उसका तो ट्रेजर देख के ही ट्रेलर हमें ट्रेलर समझ में में कुछ आया था। था, तो चलिए इस गाने को देख पहले लेते गाना हैं। देख लेते हैं और फिर अगर बात। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स डू इट। मुझे बताइए गाना बहुत अच्छा होने वाला है। अरे अक्षय की स्माइल देखी है, बहुत दिनों बाद कैटरीना के साथ परफॉर्म करने की खुशी है। कैटरीना जो मिल गया आपका। कैटरीना इस कैटरीना क्या मूव्स है। ओ बहुत बढ़िया मूव्स, बहुत लुकिंग फैंटास्टिक। क्या गाना है। एक था टाइगर का पैंट है कैटरीना का, वही वाला है, बस कलर चेंज हुआ। वाह क्या स्टेप है। अच्छा इसमें भी स्कैन। गाड़ी को ऐसे ही चलाया, गाड़ी कुछ नहीं है अक्षय के पास। ऐसा लगा जैसे झूला झूला उसके अंदर। ब्लैक एंड कैटरीना क्या देखा दिया, क्या मतलब देखा सर, फुल एंजॉय, आई व्हाट रियली अ एंजॉय। परफॉर्मेंस। एंड जैसा गाना था मतलब निकिता ने बहुत अच्छा गाया है। इससे पहले कैटरीना कैफ का वो जो इश्क सवा गाना था हाँ, उसमें इश्क भी सवा कैटरीना ने कमाल किया था, पर वो गाना भी एक अलग वॉइस से बहुत ही अच्छा था। वो गाना का टोन हाँ डिफरेंट था, और वैसा इस गाना का टोन भी बहुत ही डिफरेंट है। गाना जैसे सुनने में एंटरटेनिंग है, ग्रूविंग है, मतलब आप खुद को रोक ही नहीं सकते इसके म्यूजिक से, वैसे ही धुआंधार परफॉर्मेंस है अक्षय और कैटरीना की। और क्या कहे, मेरे ख्याल से मैंने एक ही सेंटेंस में सब कवर कर लगता लिया। है एक एक गाना में मूवी हिट हो जाएगा। एंड वन थिंग, एक डायलॉग था ना, ब्यूटी विद ब्रेन डेंजरस कॉम्बिनेशन, इसमें भी ब्लैक एंड कैटरीना डेंजरस कॉम्बिनेशन, मतलब यू कैन टेक ऑफ योर आईज फ्रॉम कैटरीना, शी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, हॉट्स एंड एवरीथिंग, और ये कुछ मतलब प्रैक्टिकल सा भी देखने में अच्छा है। सभी ने एक ही कॉस्ट्यूम रखा है, ऐसा नहीं कि पैरा चेंज और गाने का ड्रेस भी चेंज, जो भी वो भी अलग अलग गाने में देखने में खराब नहीं लगता, पर यहाँ पे ये एकदम माइंड ब्लोइंग है। मतलब
मतलब सब रियलिस्टिक परफॉर्मेंस सा लग रहा है और कैटरीना ने क्या डांस किया है भाई। तो फ्रेंड्स गाना हमने बहुत एंजॉय किया एंड इट्स रियली फैंटास्टिक एंड ऑसम सन जैसे गाना गाया है उससे बढ़िया पिक्चराइजेशन है। एंड अक्षय कुमार उनका जो स्माइल है ना और ऊपर से गाना में तो दो चार रेस्टोरेंट कर लिया। आपको गाने में कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। रोहित शेट्टी का मूवी में तो ऐसे एक्शन और स्टंट होता ही है तो इसमें लगता है गाना में भी रोहित शेट्टी अपना डाल दिया, लेकिन अक्षय कुमार तो गाड़ी को छलांग लगा के उधर गया ना। मतलब एक चीज और कहना चाहूंगी, जितना भी मतलब बड़ा बड़ा मलाइका आए या नोरा फतेही आए, कैटरीना इज कैटरीना, मतलब कैटरीना इज कैटरीना। कैटरीना का जो मूवमेंट है ना वो इतना, मतलब उधर जैसे ऋतिक रोशन है डांस को इजी बनाता है, इधर भी कैटरीना काइफ है इस डांस और मूवमेंट को बहुत इजी बना दिया। स्मूथ स्टेप, स्मूथ स्टेप आप बोल सकते हैं, लेकिन इजी में इतना अच्छा किया, मतलब इतना अच्छा उनका मूवमेंट, मतलब वो वन वर्ड में कहना चाह रहा है कि फ्लॉलेस एंड फैंटास्टिक है, आपको कहीं एजेस देखने को नहीं मिलेंगे। कैटरीना इज सुपर। तो अक्षय कुमार का उम्र जितना बढ़ रहा है ना उसके साथ साथ फिटनेस भी, उसके साथ साथ फिटनेस और एनर्जी भी बढ़ रहा है, उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है, उनकी फिटनेस बढ़ती है। एनर्जी देखो अक्षय का, मतलब 200% एनर्जी लेके इस गाने में अपना परफॉर्मेंस, एनर्जी कैटरीना की भी सेम है। वो जो स्टेप्स है जिनमें एक बार ये बैक में जाते हैं वो बैक में जाते हैं, वो बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। एंड कैटरीना प्रूव्ड अगेन दैट शी इज द डांसिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड। No one can beat her in dance. मतलब it is a open challenge. No one can beat her. हाँ, कैटरीना ने पैन सिनेमा में जो दोनों गाने में परफॉर्म किया था ना, अभी तो मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, वो दोनों में भी उसने फाड़ू परफॉर्म किया। टाइगर जिंदा हो, कमली हो, कुछ भी गाना, मतलब कैटरीना या तक अगर कोई लेवल सेट कर दिया तो कैटरीना अगला गाने में लेवल पार। मतलब अभी तक बॉलीवुड में डांसिंग का माइलस्टोन बनाने का जो टेंडर है वो कैटरीना ने ले रखा है। तो बोथ ऑफ देम आर आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज ऑसम ट्रैक। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही पड़ेगा। मतलब वैसे ये सब मूवीज तो एंटरटेनिंग होती ही है। और अक्षय को कैटरीना मिल गया, अक्षय का परफॉर्मेंस और बेटर हो गया। वैसे मैं ये बात कहना चाहूंगी, क्वाइट इस तरीके का बेस के ऊपर जो गाना था वो था वो पैसा पैसा क्यों करती हो, क्यों पैसे पे तुम मरती हो, वो जो एक गाना था उससे ये फार 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 बेटर है। वैसे कंपेयर नहीं करना, बीच में बहुत टाइम भी चला गया है, लेकिन इन दोनों का इस फिल्म का जो रोमांटिक सॉन्ग आया है इससे वो गले लग जा गाना बहुत ज्यादा बेटर वो तो। उसका जो एक ऑरा है, केमिस्ट्री है, जो रोमांस कोशंट है, उसको मेरे ख्याल से हार्डली ही कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं कर पा रहा है। वो तो अपने में आइकॉनिक है दोनों का। And this is great, man. इस गाने ने हम में इतनी एनर्जी भर दी है कि हमने इधर वीडियो को बहुत बातें कर दी, बहुत लंबा बना दिया, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। और मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, देन शो सम लव, हिट द लाइक आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन, देन ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इस गाने में कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ सेफ दिवाली।